जो बना है मंदिर के नाम पे वोट मिलना चाहिए था कि नहीं? नहीं, मंदिर के नाम पे ही तो वोट मिला। हर जगह जो वोट दिए, किसी प्रत्याशी को देकर कोई वोट नहीं दिया है, सब परमात्मा राम के नाम से ही वोट दिए। असुर असुर जो कहा गया था दैत्य मानव, परमात्मा प्रकृति के रूप में, प्रदत्त दैव रूप में मोदी जी हमारे आए हुए हैं। प्रमाणित कर दिया, हाथ कंगन को वारसी किया, प्रमाणित है ना कि केंद्र में जो सरकार आई वह जनता ने स्वीकार किया तब तो आई। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी, आप सभी का ए भारत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद भदोही के गोपीगंज में, और यहाँ पे एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर है, और यहाँ के प्रांगण, यहाँ शिव मंदिर के प्रांगण में हम इस समय हैं। और यहाँ का वातावरण अगर देखें, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर वातावरण है। बड़े पैमाने पे मंदिर है और मंदिर का प्रांगण भी बहुत ही सुंदर है, और ऐसे में यहाँ की क्या कुछ विशेषताएं हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ की क्या रहस्य है इस मंदिर का, क्योंकि हर मंदिर का कुछ न कुछ विशेष रहस्य होता है, तो इस मंदिर का भी कुछ विशेष रहस्य होगा, और इस रहस्य को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शिव जी का मंदिर जहाँ भी रहता है वहाँ एक बड़े पैमाने पर भीड़ भी होती है और श्रद्धालु भी बहुत ही अधिक मात्रा में आते हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बीच कुछ साधु संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ के विषय में, यहाँ के मंदिर के विषय में, क्या नाम है माता जी? आचार्य शरद पांडे। यहाँ के मंदिर के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, ये बाबा बड़े शिव जो कि 22 एकड़ में मंदिर है यह। अच्छा। और सिद्ध पीठ है यहाँ पर। जिस जो व्यक्ति किसी भी मनोकामना से आता है श्रद्धा भक्ति से, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बाबा की विशेष कृपा बनती है। राजा शिवी ने 300 साल पहले इसकी स्थापना की थी, राव बड़े सिंह महाराज का। राजा शिवी ने स्थापना किया था 300 वर्ष पहले। और यहाँ पे गुफा भी है जो कि अंदर बंद किया गया है। यहाँ पे कई लोग गुफा का क्या रहस्य है? गुफा का रहस्य है कि यहाँ पे खडेश्वरी महाराज जी थे जो 18 वर्ष तक खड़े थे, बैठे ही नहीं थे। अच्छा। इस गुफा में बैठ करके तपस्या किए थे। वो गुफा यहाँ पे है लेकिन उसे बंद किया गया है, कोई अंदर जाता नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े साधु संत यहाँ तपस्या किए हैं, और बहुत ही धार्मिक यह मंदिर है। यहाँ पर माननीय आनंदी पटेल जी भी यहाँ पर आकर दर्शन किए हैं, और बड़े बड़े नेता उद्योगपति लोग आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय अभी एक हफ्ते पहले आए थे। अभी पूरे उत्तर प्रदेश के MP MLA कोर्ट के जो जज थे पवन तिवारी जी, कल आकर के वो दर्शन किए। ऐसे अक्सर लोग आते रहते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती रहती है, दर्शन करते रहते हैं। मतलब लगातार बड़े बड़े श्रद्धालु, बड़े धार्मिक लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं। क्या कुछ विशेष समय है यहाँ का दर्शन पूजन करने का? दर्शन पूजन का विशेष समय है कि प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन कम से कम 1000-2000 श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ पे श्रृंगार आरती किया जाता है प्रतिदिन। सोमवार का विशेष श्रृंगार आरती है जो कि वो सायं 8:30 से 8:30 के बीच में श्रृंगार करके और महाआरती किया जाता है, और जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है बाबा का विशेष आरती कराते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि सबसे बड़ी चीज है आज के समय में एक सनातन धर्म के ऊपर लगातार टिप्पणी होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी? नहीं, अब देखिए, टिप्पणी करने का अलग अलग विचार है, लोगों का मत है, विचार है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिसकी जैसी भावना जाकर रही, भावना जैसी, जिसकी जो भावना है किसी कोई रोक नहीं सकता है। जिसकी भावना जैसी है, परमात्मा पर जैसा श्रद्धा है, और लोगों का संस्कार है, जैसा माता पिता लोग संस्कार दिए हैं, उस विचार से जो है तो सनातन धर्म पर टिप्पणी लोग करते हैं। और आज ये देखा जाए जितना सनातन धर्म पर टिप्पणी हो रहा है वही उतना मजबूत भी होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है? जितना जो लोग विपक्ष में सनातन धर्म, वो तो उनका अगले जन्म का पूर्ण है, जिस दिन पूर्ण समाप्त हो जाएगा उस दिन विनाश हो जाएगा उन लोगों का। जी। तो जैसा सनातन धर्म में जब जब कोई विपत्ति कराया, सनातन धर्म को कोई गिराना चाहा, परमात्मा ने उसका विनाश कर दिया, अंत कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बना 500 साल बाद, ऐसा अलौकिक और दिव्य क्षण देखने को मिला, फिर भी वहाँ से भाजपा पूर्ण रूप से हार गई, दो विधानसभा लोकसभा सीटें हार गई, क्या? जी, तो बड़ा ही शर्म की विषय है कि वहाँ पर अयोध्या में कार्य इतना अच्छा हुआ लेकिन वहाँ से भाजपा हार गई। और ये तो भाई, जब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उन लोगों का जैसा वहाँ की जनता साथ किए होंगे। मंदिर तो एक धार्मिक है, वो सनातन धर्म है, लेकिन वहाँ के जो सांसद थे, जो जनता का जैसा व्यवहार किए, कार्य किए, वैसा उन लोगों को जवाब। जी,
तो आपको नहीं लगता मतलब ऐसा मंदिर जो बना है मंदिर के नाम पे वोट मिलना चाहिए था कि नहीं? मंदिर के नाम पे वोट मिला। अच्छा। हर जगह जो वोट दिए किसी प्रत्याशी को देकर कोई वोट नहीं दिया है, सब परमात्मा राम के नाम से ही वोट दिए हैं, जो वोट दिए हैं। और देखिए जो प्रत्याशी है उस पर निर्भर करता है ना कि जनता उस पर निर्भर रहती है। मंदिर तो हर जगह बन रहा है लेकिन उनके लिए क्या विकास किया गया ना, तो यह देख करके तो जनता उस प्रकार ऐसा किया, लेकिन वहाँ हारना नहीं चाहिए भाजपा, हम लोगों को बड़ा कष्ट है। जी जी, तो आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि सरकार को किस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे जनता में एक विश्वास? देखिए सरकार से तो हमें प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि धार्मिक कार्य करते करते जनता की क्या आवश्यकता है, जनता की क्या चाहिए, पब्लिक के बीच में क्या चाहिए, वो भी जो है तो उसके लिए विचार किया जाए और जो प्रत्याशी है वो जनता के तक पहुँचे और उनकी जो उनकी मांग है उसे पूरा किया जाए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सनातन धर्म के विषय को लेकर, राम मंदिर को लेकर? हमारे पूज्य आचार्य जी ने जो कहा जी जी, ये सनातन धर्म है, ये न तो जुआ है न झुका है, और इसका विकास पूर्णतः होना ही होना है, जो भी इसके रास्ते में आता है वो हट जाता है। तो लगातार जो सनातन धर्म पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, साधु संतों के ऊपर जो अभद्रता अभद्रपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? दैत्य दानव पहले थे अभी हैं। जी जी, पहले एक प्रक्रिया उनकी दूसरी थी, अब की प्रक्रिया दूसरी है। तो शुभ अशुभ सत्य सत्य हर जगह है, दिन रात तो अच्छे लोगों का बुरे लोगों का पहचान सदैव रहा है और रहेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं, पर सुबह न हो तो रात की महत्ता नहीं समझ जाएगी, रात न हो तो सुबह नहीं समझ जाएगा। ऐसे तमाम दूषित प्रदूषित आत्मा और लोग हैं जिनको कुछ भी कहा जाए वह कम है। हाँ। जी जी, असुर असुर जो कहा गया था दैत्य मानो, परमात्मा प्रकृति के रूप में प्रदत्त दैव रूप में मोदी जी हमारे आए हुए हैं, लेकिन तमाम ऐसे दूषित आत्मा है, लोग हैं जो कि स्वरूप बदल करके उस रूप में वो लोग अभी भी हैं। तो मोदी जी को आपने अच्छा कहा, तो आप बुरा किसको लगता है कि नहीं, बुरा किसी को नहीं, बुरा लोग हैं। जी जी, बुरा हर लोगों का विचार अपना अपना अलग है। जी जी, जरूरी नहीं कि हमारे विचार के अनुसार सभी का विचार हो, जैसे जैसा उनका विचार है, जो कार्य क्षेत्र सभी के विचार अपने अपने जैसे हैं। जी जी, सबका अलग अलग विचार है, अलग अलग उनका मतभेद है। जी, हर व्यक्ति हर एक के शुभ चिंतक होते हैं। बहुत हाँ? बहुत धन्यवाद। क्या बाबा क्या नाम है? रत्नाकर चतुर्वेदी। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के मंदिर के विषय में? यहाँ देवाधिदेव महादेव का मंदिर है। जी जी, भगवान शिव का शिवकन है, जो जगत के कल्याण के लिए विष का भी पान कर जाता है लोक हित में। जी जी, वही शिव है, वही महादेव है, और ऐसे शिव के हम उपासक हैं। सनातन धर्म यही है, यह किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, यह प्राणी मात्र का धर्म है, यह सार्वभौम धर्म है। जी। सनातन माने ईश्वर, जो सदा से था है और रहेगा। सनातन माने आत्मा, जो इससे अनभिज्ञ हैं वो सनातन का अर्थ लेते हैं कि ये हिंदू धर्म नहीं है, हम हिंदू सनातन धर्म के उपासक हैं, हम हिंदू सनातन को मानने वाले हैं। सनातन तो प्राणी मात्र का धर्म है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मा सर्वभूतेषु यह पश्यत सह पंडित। पंडित को जात नहीं, एक विचारधारा है, जो हर पराई नारी में माता का दर्शन करे, दूसरे के धन में मिट्टी के ढेले का भाव दर्शन करे और सब में अपना दर्शन करे, सबको अपने जैसा समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत सह। तो सनातन धर्म किसी संप्रदाय विशेष का नहीं। जैसा कि एक पार्टी के नेता ने कहा कि सनातन धर्म ब्राह्मण द्वारा बनाया गया है, ये कोई धर्म ही नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि सनातन माने ईश्वर, सनातन माने आत्मा, जो सदा पहले था, आज है, आगे रहेगा, बाकी तो देख रहे हैं बीच में सब नश्वर हैं, नष्ट हो रहे हैं। सनातन ब्राह्मणों ने नहीं बनाया, सनातन धर्म परमात्मा ने बनाया। चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स। जी जी, ये परमात्मा द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की गई, चारों वर्ण बनाए गए। तो अब इसका सही अर्थ नहीं जानते हैं तो विद्वेष बस कहते हैं ब्राह्मणों ने बनाया। जी जी,
ब्राह्मण कौन है पहले इसको भी जानिए। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, और ब्रह्म क्या है? मुझ में तुझ में खड खंभ में घट घट व्यापी तरह, जो सब में व्याप्त है अर्थात परमात्मा वही ब्रह्म है। तो जब हम सब में उसी को देखेंगे तो हम किसी को छोटा या बड़ा क्यों समझेंगे, हम किसी को कष्ट क्यों देंगे, हम किसी के प्रति दुर्विचार क्यों करेंगे, जब हम सब में उसी एक परमात्मा को देख रहे हैं। सनातन धर्म यही कहता है कि सब में वही एक सत्ता विराजमान है, हम उसे ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, शब्द जो कहें, लेकिन एक सत्ता है जो सब में विद्यमान है। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है वही सनातन का सच्चा उपासक है। सनातन धर्म तो प्राणी मात्र का धर्म है, सार्वभौम धर्म, एक चींटी को भी बचा के हम चलते हैं कि हमारे पैरों से न दबे। जो अज्ञानी है वही हिंसा हत्या और दोषारोपण विद्वेष करते हैं, जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तो सब में एक परमात्मा का दर्शन करता है। तो मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, कर लो सबसे प्रेम यहाँ पर कोई नहीं पराया। जैसा कि आपने देखा कि भगवान राम का दिव्य मंदिर अयोध्या बना और वहाँ से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, क्या आपको लगता है कि उन्होंने उनका साथ दिया? अब देखिए, देवता हमेशा से हारते रहे, जी दैत्य हमेशा से जीतते रहे, जी। लेकिन अंत में विजय देवताओं की होती थी। आप अगर पुराणों में जाएंगे तो पहले युद्ध होता था तो पहले देवता ही हारते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा असुर जब अनाचार अत्याचार दुर्विचार करने लगते तो अंत में देवताओं की विजय होती। क्यों? कि देवता शतपथ पर रहते, वो तो परमात्मा के इशारे पर चलते हैं, और जो आसुरी वृत्ति कह लो वो मनमाना स्वेच्छाचारी होते हैं, उनका जो मन में आता कह दिया, जो मन में आया कर दिया, ये ऐसे विचार वाले जो है ना ये आसुरी भाव के हैं। और देवता क्या है? वो अनुशासित है, जो परमात्मा का विधान है उसके अनुसार चलते हैं। तो अयोध्या में जो हार हुई यह कोई हार नहीं है, यह देखिए ये इस चुनाव से मत जोड़िए। हम कहते हैं कि अगर आप चुनाव राजनीति पर ही आते हैं तो वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ा कि घटा, हम ये कहते हैं इस बार बढ़ा है, घटा वोट प्रतिशत नहीं, सीट घटी लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है, घटा नहीं है। क्योंकि अगर इतना दिन से देखा जाए, आज कई सरकारें बदली, कई लोग आए गए, लेकिन अगर मोदी सरकार भाजपा सरकार में यही राम मंदिर बना तो कुछ न कुछ तो विशेषता जरूर होगी। देखिए एक चीज है कि तुष्टिकरण या नहीं होना, पुष्टिकरण सबका हो, पुष्टिकरण सबका हो, लेकिन तुष्टिकरण किसी का ना हो, किसी की नाजायज मांग को हम न माने। और राजा वही है जिसे प्रजा संतान की तरह प्रिय लगती है। प्रजा का शाब्दिक अर्थ है संतान, और प्रजा माने जनता, प्रजा माने कोई किसी का नौकर गुलाम ये नहीं, प्रजा माने जनता। शासक वह है जिसे पुत्रवत दिखे जनता, पुत्र के समान जनता से स्नेह करे, पालन करे, रक्षा करे, वही शासक है। अब जिसके राज में दुराचार व्यभिचार अपहरण बलात्कार और हिंसा हत्या ये दंगा फसाद हो तो कोई शासक है? शासक होने का गुण है, शासक तो है जिसके राज में शांति हो, अमन चैन हो। वर्तमान सरकार को देख के क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार में शांति है, कुछ अच्छा है? अरे आप बताइए, वर्तमान सरकार में चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, हम जहाँ हैं बताइए कहीं दंगा हुआ? मतलब आपको लग रहा है कि आपकी सरकार अच्छी है इस समय? अरे मेरी नहीं, मतलब आप समय हमारे भारत की जो सरकार केंद्र सरकार है वो तो पूरे भारत की है, अच्छी नहीं है। अगर अच्छी नहीं होती तो तीसरी बार फिर क्यों आती है? इसको विचार करें, नाना प्रकार के झूठ साज प्रचार किए लेकिन क्या सफल हुए?
झूठ सफल होता नहीं, अंत में विजय सत्य की होती है। लेकिन अगर देखा जाए कि इतने दिन तक कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, उसके बाद भाजपा की सरकार आई है, 60 साल लगभग कांग्रेस की सरकार। हाँ हाँ, पहले कांग्रेस पार्टी थी ही, कोई पार्टी थी नहीं। जी जी। कांग्रेस से ही, कांग्रेस के विचारों से जब असंतुष्ट हुए कुछ लोग, तो कांग्रेस को छोड़कर दूसरा पार्टी बनाए, जैसे कि जनसंघ बनाया गया, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। पहले तो शुरू में जब हमारा देश गुलाम था तो कांग्रेस एक ही पार्टी थी ना। जी जी जी। उसी पार्टी के नेतृत्व में संघर्ष किया गया, आज़ादी मिली। जी जी। लेकिन जब उसमें स्वार्थी लोग हुए और अहंकारी हुए, स्वेच्छाचारी हुए, तो उससे अलग अलग होकर के पार्टियां बनी हैं। पहले तो देश की एकमात्र पार्टी कांग्रेस थी। और मतलब आपको कुल मिला के लग रहा है कि भाजपा सरकार अच्छी है? अच्छी है ही है, ये तो जनता ने प्रमाणित कर दिया, हाथ कंगन को वारसी किया, प्रमाणित है ना कि केंद्र में जो सरकार आई वह जनता ने स्वीकार किया, तब तो आई है। कई पार्टियां मिलकर झूठा प्रचार किया, ये देंगे वो देंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन कोई लाभ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बीच समय दिया। तो हम यहाँ पे मंदिर में थे और तमाम बातें हुई जिसको लेकर यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे चर्चाएं हुई, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी बातें कही। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें भारत न्यूज़ आकाश द्विवेदी के साथ।